आपको पता है तो अभी मेरे को टाइम मिला और आज हम घूमने जा रहे हैं डांडी बीच और मेरे रेगुलर वीडियो आने वाले हैं आप। और अभी मैं खड़ा हूँ हाईवे पे, जो सचिन वाला मेन हाईवे है उस पे खड़ा हूँ। ये जो रास्ता है ये सूरत से सचिन की ओर जाता है, उस रास्ते पे खड़ा हूँ किसी ब्रिज के पास में। तो आप लोकेशन देख लो एक बार, लोकेशन दिखाओ भाई। तो ये लोकेशन है और मेरे साथ में मेरा दोस्त है और ये तीन भांगड़ बिल्ले भी है। हम सब साथ में जा रहे हैं एंजॉय करते हुए। ये वीडियो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। मैं आपको सुवाली बीच, डांडी बीच पूरा दिखाने वाला हूँ। वहाँ पे गांधी जी ने सत्याग्रह किया था नमक के लिए, वो भी वहाँ पे हम वो भी दिखाने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत ही इंजॉय और बहुत ही मजेदार बनने वाली है, तो प्लीज वीडियो के साथ बने रहिए। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बताइए वीडियो को क्या लग रही है। तो चलते हैं सफर के साथ। बूम, तो भैया मैं आ चुका हूँ इस रोड पे और ये नवसारी से डांडी जाने वाली रोड है। अब यहाँ हम खड़े हैं, आप देख लो भाई, ये जो हम जहाँ खड़े हैं ना वहाँ से जो नवसारी है वो पड़ता है खाली ओनली 9 किलोमीटर दूर। और हम जब सूरत से चले तो 56 किलोमीटर दूर था, अब 9 ही किलोमीटर दूर बचा है। तो हमने सोचा एक छोटा सा स्टॉप ले लेते हैं और फोटो वोटो खींच लेते हैं। भाई अपना इधर देखो, इधर देखो भाई, भाई अपना कैमरा निकाल रहा है, देखो कैमरा निकाल रहा है। फोटो शूट होंगे उसके बाद आगे का ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा, तो बने रहो वीडियो के साथ और हम फोटो खींचते हैं फटाफट। देखो भैया यार ये हमारे फोटो खींचने में दम कर ले, फोटो तुम खींचो, मैं नहीं खींचूंगा, लो खींचो फोटो, तुम खींचो फोटो पैड। तो देखो भैया यहाँ फोटो शुरू है गिटार के साथ में, भैया अपने धवल भाई, मैंने कुछ फोटो खिंचवाए हैं, कुछ ये खिंचवा रहे हैं। और भैया फोटो खींचना शुरू है, बहुत ज़्यादा शूटिंग होने वाली है, कई सारे फोटो खींच चुके चटपट रहे थे। भाई आपका क्या कहना है? ये भाई अपने थोड़ा कम बोलते हैं लेकिन कोई नहीं। देखो वहाँ फोटो शूट हो रहा है, एक यहाँ देखो ये खड़ा है गिटार के साथ, वहाँ से फोटो खींच रहा है और वो खतरनाक फोटो आने वाली है, ये मुझे पता था। ए चलो अभी चलते हैं, ये भाई का एक आखिरी फोटो खींचो, चलो मस्त वाला। तो भाई हम आ चुके हैं डांडी बीच और डांडी बीच आते ही आप थोड़ा अंदर घुसेंगे तो वहाँ पे आपको 5 रुपये सफाई का लेंगे, जो आप कचरा करते हो वो लोग सफाई करते हो उसका 5 रुपये का टिकट देते हैं। और उसके बाद आप यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको पार्किंग मिल जाएगी, पार्किंग का जो चार्ज है 10 रुपये है और पार्क यहाँ खड़ा है। और सुबह हम जल्दी निकले थे तो हमने कुछ खाया नहीं था, तो अभी हम जा रहे हैं फास्ट फूड खाने, कुछ खाएंगे उसके बाद आगे घूमेंगे डांडी बीच। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ का जो फास्ट फूड है वो कैसा है, आपको पता चल जाएगा। चलिए चलते वीडियो के साथ। ये देखो यहाँ की मेन्यू है, वेज सैंडविच 50 रुपये और बाकी की सारी आइटम, पिज्ज़ा भी आपको मिलेगा यहाँ पे यदि आप पिज़्ज़ा खाना चाहें तो। पिज़्ज़ा है 120 रुपये में और मेन बोर्ड ये रहा इधर, आप जो भी खाना चाहें आपके ऊपर डिपेंड करता है। पूरी टीम यहाँ बैठी है, मैं यहाँ बैठा हूँ, चालू है, नाश्ता करते हैं उसके बाद आगे चलते हैं। खाना हमें लगता है नवसारी में ही खाना होगा, खाओ ना अपने नवसारी मत था, यहाँ खाली नाश्ता कर लिया अपने इधर नवसारी का, बाकी नहीं खाना, खाली ब्लॉग मटे बोल सो। तो भैया सैंडविच आ चुका है और यहाँ पे भैया अपने सब लगे पड़े, 50 रुपये का कुछ ऐसा सैंडविच यहाँ पे मिलता है, आप देख लो भाई चटनी इधर है, वेज सैंडविच जिसे कहते हैं, अपने इतने भाई देखो लाइक करके खा रहे हैं। तो चलो फटाफट खाते हैं, ख़त्म करते हैं और चलते आगे। आप वहाँ जब पार्किंग करोगे तो आप इधर आके बैठ के खा सकते हो, मैंने यहाँ पे सैंडविच खाई थी और स्ट्रॉबेरी पी थी। तो यहाँ ये थी वहाँ पे देख सकते हो, यहाँ आपको सारी आइटम्स मिल जाएंगी, सैंडविच, फूड, चाइनीज, मंचूरियन। तो भाई अब बीच के तरफ जाने का समय हो गया क्योंकि हमने खा लिया है, पेट पूजा मस्त हो चुकी है और सफ़र अब आगे के लिए जारी है।
तो मैं आ चुका हूँ डांडी बीच। आप देख सकते हो भाई ये बोट राइड, या देखो यहाँ से दिख रहा है समुद्र किनारा। कत्ते ही खतरनाक लोकेशन है भाई, काफ़ी ज़ोरदार है। यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं, फर्क इतना है बस सूरत से कम ही लोग आते हैं, क्योंकि ये दूर पड़ जाता है तो लोग थोड़ा कम ही आते हैं। बाकी जैसे एक बार डांडी बीच देखना हो तो वो यहाँ ज़रूर आए। यदि आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ घूमने आना चाहते हो तो काफ़ी अच्छी लोकेशन है भाई। जैसा कि मैंने डुमस में और विराट में जो बीच देखा था उससे काफ़ी ज़्यादा क्लीन बीच है। पब्लिक थोड़ी कम है संडे के हिसाब से, बट संडे को डुमस में सबसे ज़्यादा पब्लिक होती है, यहाँ इतनी ज़्यादा पब्लिक नहीं है, ये मेरे को थोड़ा अच्छा लगा। और अभी हम जा रहे हैं एकदम बीच के किनारे समुद्र का मज़ा लेने। भाई लहरें बहुत तेज़ उठ रही है भाई, एकदम मज़ा आ रहा है। देख लो इधर नज़ारा चारों तरफ भाई, पीछे मेरे समुंदर है भाई, बहुत मस्त लोकेशन है। सब अपने अपने फोटो वीडियोज में लगे हुए हैं। तो बने रहो वीडियो के साथ, वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक। तो भाई जब आप यहाँ पे घूम लो डांडी बीच घूमने के बाद, अब हम जा रहे हैं डांडी सत्याग्रह जो यहाँ से थोड़ी दूर है, तो मैं आपको लेके चलता हूँ वहाँ पे। तो चलिए चलते हैं, बाकी बारे में और बाकी के सामान के बारे में बता देता हूँ। जब आप अंदर आएंगे तो आपको ये साइड में यहाँ टिकट मिल जाएगा, बच्चों के लिए 10 रुपये टिकट है और बड़ों के लिए 20 रुपये टिकट है। यदि कोई फॉरनर या विदेशी आता है तो उसके लिए 100 रुपीज़ टिकट है। और अगर आपके पास कैमरा है या बाकी का कोई भी बड़ा गैजेट है तो वो अंदर जाना अलाउड नहीं है, वो आपको यहाँ सामान गिरा बना हुआ है इधर सामान का वहाँ रखना होगा। तो अभी मैं आगे चलता हूँ। और यहाँ की पार्किंग फ़ीस है वो है बाइक की 10 रुपये और कार की शायद 20 या 30 रुपये, वो मैंने पूछा नहीं। तो मैं आपको आगे लेके चलता हूँ और यहाँ की पूरी डिटेल पूरी जानकारी वीडियो के थ्रू बताता रहूँगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में बताइए वीडियो कैसी लग रही है। तो चलिए चलते हैं आगे, जहाँ अंदर से एंट्री करेंगे तो बापू जी के तीन भाई बैठे बंदर, तीन बंदर ये रहे और तीन बंदर यहाँ हैं। बुरा देखो मत, बुरा सुनो मत, और बुरा बोलो मत। तो खैर यहाँ पे इतना था, अब मैं आगे चलता हूँ और आगे इसके बारे में ज़्यादा आपको और बताता हूँ। तो मैं आपको जैसे कि दिखा दिया ये खादी भंडार है, यहाँ पे यदि आप खादी के कोई भी कपड़े लेना चाहते हो, सूट कुर्ता पैंट वगैरह जो भी आप लेना चाहते हो तो वो इनके यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। जैसे कि मैं आपको प्राइस दिखा दिया तो प्योर खादी की है तो थोड़ी प्राइस ज़्यादा रहती है। और हम भाई सिटी से बाहर डांडी सत्याग्रह में आए हैं उनके मेमोरियल म्यूजियम देखने के लिए, तो यहाँ का जो आइटम है वो थोड़ा महंगा मिलेगा, इस बात की आपको ध्यान रखनी है, बट चीज़ अच्छी मिलेगी, 100% प्योर मिलेगी। तो अब मैं चलता हूँ आगे। लोग यहाँ पे भेड़ कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे आप फूड भी खा सकते हैं अपने हिसाब से, खरीद के कैम से उपलब्ध है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे से खाना खाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर खाना भी मिल जाएगा काफ़ी अच्छे से। हमें प्राइस क्या है मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ। भैया थाली की क्या प्राइस है? 120 रुपये। तो 120 रुपये थाली की प्राइस है। थाली में क्या क्या मिलता है? साग, हाँ, रोटी, हाँ, पापड़ नहीं, कचुम्बर, सलाद। अच्छा, तो आपको यहाँ थाली में इतना मिल जाएगा, 120 रुपये की थाली है। ऑनलाइन पेमेंट यहाँ अवेलेबल है, देख सकते हो। तो बेझिझक होकर आप यहाँ पे आ सकते हो, जैसे मैंने बोला था आप लेके भी आ सकते हो, अगर आप यहाँ खाना चाहते हो तो आप खाना चाहते हो। और भाई अब मैं चलता हूँ थोड़ा और आगे यहाँ का और ज़्यादा दिखाने के लिए आपको, तो बने रहिए वीडियो के। तो भाई हमने वो जो मेमोरियल है वो देख लिया था, म्यूजियम जिसमें आपको खादी के कपड़े और खाने का 120 रुपए की थाली मिलेगी। और अब हम जा रहे हैं आगे जो पर्यटक स्थल है, जो सोलर की कुछ प्लेटें हैं जो बहुत अच्छे तरीके से एकदम फ्लावर टाइप में लगाई गई हैं, और भी एक दो नॉलेज है जो बताया गया है वहाँ पे, तो वो सब यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो अब मैं जा रहा हूँ आगे, वही आपको दिखाऊंगा यहाँ पे भी, तो बने रहिए वीडियो के साथ में। यार हूँ कम वीडियो बगैर से। तो भैया हम चल रहे हैं आगे, आपको भी दिखाएंगे खुद भी देखेंगे। तो भैया मैं आ चुका हूँ सैफी बिला, और अंदर कैसा क्या देखने के लिए है वो आपको यहाँ वीडियो के थ्रू पता चलता रहेगा। तो चलते हैं अंदर।
ओए होए, बापूजी यहाँ पे बैठे हुए हैं चरखे के साथ। ये क्या है, आप यहाँ पढ़ भी सकते हो, यहाँ लिखा भी है इनके बारे में। मैं जो घर था वो इस टाइप का था, देखिए आप। तो भैया मैंने ये घूम लिया था, अब मैं जा रहा हूँ आगे और आपको आगे दिखा देता हूँ। यहाँ से काफ़ी अच्छा था, गांधी जी ने कहाँ से स्टार्ट किया वो सब यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, वो सब था यहाँ पे। और अब मैं जाते हैं इधर पार्क में, बहुत ही बेस्ट पार्क बनाया हुआ है इन्होंने भाई, बड़ा मज़ा आने वाला है, तो बने रहिए। तो ये रास्ता है भाई आगे जाने का। तो भैया ये परिचय कक्ष इधर है, जो वीडियो दिख रहा है उसके अंदर वीडियो दिखाएंगे, लेकिन हम पहले बीच घूम लेते हैं। डांडी कूच यहाँ आप देख सकते हो आगे, पानी ये रहा यहाँ पे, ये शावर चलते हैं बट अभी बंद, फुवारे चलते हैं बट अभी बंद हैं। और अब इनके कुछ जो इन्होंने 3D हाइलोजन वीडियोस बनाए हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे गांधी जी वो बैठे हुए हैं बीच में, और यहाँ पे जो लोग हैं ये सब सुन रहे हैं। देखिए इन्होंने जब सत्याग्रह स्टार्ट किया था तो रास्ते में जो जो लोग मिले थे, तो वही महिला जी हैं जो तिलक कर रही हैं, और उनके बारे में यहाँ लिखा है 12 मार्च 1130 तत्काल के प्रार्थना के बाद उत्तर गांधी के तिलक लगाते हुए जो धर्म यात्रा के लिए निकल रहे थे, एक कठोर तुरंत आज़ादी में सत्याग्रह की यात्रा। बातें हो रही हैं यहाँ, अनाज देते हुए यहाँ पे अपने सब मगन। ये देखिए अंदर बैठा है, वो देखिए वहाँ अंदर गांधी जी बैठे हुए हैं वो सामने, और ये लिखा है कुछ आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे 80 लोगों का नाम लिखा है, बाकी ओरिजिनल जब बताया तो 78 लोग थे, बट 80 लोग यहाँ पे हैं, तो मुझे नॉलेज नहीं थी, तो भाई टोटल आपको बता दूँ 80 लोग थे। 80 लोग यहाँ पे थे, मैं उनके आपको अब स्टैचू दिखाने जा रहा हूँ। टोटल 80 लोग यहाँ स्टैचू बना के खड़े हैं, आप देख सकते हो। फर्स्ट नंबर में हमारे गांधी जी खड़े हैं, उसके बाद धीरे धीरे सबके नाम यहाँ बोर्ड पे लिखे हुए हैं, कौन कहाँ पे खड़ा हुआ है पूरा डिटेल के साथ, अब देख लेना। और एक ये साइन बना हुआ है सत्याग्रह का, मैन जो भी बना है मुझे पता नहीं है, बट ये समथिंग 5 मंजिल ऊँचा है, काफ़ी लंबा है, इसके बारे में भी वहाँ लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा दूँगा। बाकी भाई बहुत ज़ोरदार है, 20 रुपये की टिकट है ओनली, इतनी सस्ती टिकट में इतना कुछ देखने को मिल रहा है, तो भाई बेकार नहीं है। आप यहाँ ज़रूर अपनी फैमिली को लेके एक बार घूमने आइए, और गांधी जी के चरित्र के ऊपर जो यहाँ बताया गया है, जो दिखाया गया है, वो आप एक बार ज़रूर पढ़ें, जाने आपको भी अच्छा लगेगा और लोगों को भी बताएं, तो वो भी यहाँ पर घूमने आएंगे। और जैसे कि ये नवसारी के बाहर डांडी में, नवसारी के बाहर, नवसारी से 11 किलोमीटर दूर पड़ता है डांडी बीच, तो आप वहाँ पर आएँगे, काफ़ी मज़ा आएगा। इसकी लोकेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप आराम से आइए घूमिए और भाई नज़ारे का मज़ा लीजिए, बहुत ही बेहतरीन है। और अभी बहुत कुछ घूमना है, मैंने तो आपको अभी स्टैचू दिखाया, उसके बाद ये स्टैचू दिखाई, और आगे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दिखाने को बाकी हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है इस वीडियो में, तो देख लो भाई। और ये हमने घूम लिया है पूरा, अब यहाँ पर इनके बारे में जो नॉलेज है वो दी जाएगी, तो अभी हम वो देखेंगे और उसके बाद यहाँ से हमारा खाना होगा और फिर हम निकल जाएंगे। क्यों तेज भाई, आज हमने बहुत घूमा, नाम उजर हो, तो ये देख लो भाई। वैसे है क्या ये, हाँ बाहर से, ये देख लो भैया इसमें बनता है नमक, कैसे नमक बनता है आप देख लो, वहाँ पे एक चालू है, हम देखेंगे उसे। हाँ आमा नमक बने, देखिए ये बन रहा है, सॉल्ट वाटर, सॉल्ट वाटर खाद वाणी क्यों इधर, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए नमक बन रहा है,
જો અમે બને જ નથી દેખાતું મને ખબર નથી પણ એ દેખી ઇધર બન ચુકા હે ऐसे बनता है ये मिठू, इधर बन रहा है। देखिए पानी भर दिया है इसमें, अब ये जो पानी है सूख के पूरा नमक बन जाएगा जैसे इधर वाला। और देखिए पहले के तरीके से कुछ इस प्रकार से बनता था नमक, यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है, पढ़ सकते हो पूरा का पूरा। आप वीडियो रोक के ये पूरा पढ़ सकते हो। और ये गांधी जी के साथ एक फ़ोटो नमक बनाते हुए टस्टी, देखिए आप स्केच से बनाया है पूरा गांधी जी को, क्या मस्त दिख रहा है ना। अभी ये पेंट किया है एक किसी ने, ये देखिए पूरी पेंटिंग ही है इनकी। क्या हुआ? फिर से मिल लो। थैंक यू भाई, भाई मुझसे फिर से मिल रहा, गले मिल रहा भाई, थैंक यू भाई। ये देखिए, और ये एक है सुई में जो बनाया हुआ है, वही है। देखिए सुई में ऐसा बनाया हुआ है किसी एक कलाकार ने, कलाकार का नाम क्या था मुझे पता नहीं है। ये देखिए ऐसा बनाया हुआ है सुई के अंदर। तो भैया यहाँ पे एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म दिखाते हैं जिसमें बताते हैं कि गांधी जी ने कैसे सत्याग्रह शुरू किया था, उन्होंने कैसे चुटकी भर नमक लेके प्रण लिया था, वो सब जानकारी यहाँ बताई गई है। अंदर शो चलता है 3.5 से 4 मिनट का, जिसमें आपको पूरी डिटेल मिलती है। तो आप जब यहाँ आएंगे तो आप वो जो शो है वो ज़रूर देखें। मैं वो शो यूट्यूब पर डाल सकता था बट कॉपीराइट होने का चांसेस है, इसलिए मैं उसको यूट्यूब पर नहीं डाल रहा हूँ। आप यहाँ आके खुद ही देख लेना, फिर भी मैं छोटी सी क्लिप यूट्यूब पे उसके बारे में डाल रहा हूँ। तो भैया गांधी जी सत्याग्रह मैंने घूम लिया है, और यहाँ देखो भाई डांडी लिखा हुआ है, मस्ट विजिट दिस प्लेस, वेरी ऑसम। तो भैया हमने डांडी बीच यहाँ पे घूम लिया है, बहुत ही मज़ा आया, सेफी विला भी देखा, सब कुछ देखा और आपको भी दिखाया। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करिए मेरी वीडियो को कैसे लग रही है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जैन वंदे मातरम।